हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखलाने जा रही हूँ कि पीतल और तांबे के बर्तनों की सफाई किस तरह से करें, जो आसानी भी हो और उसकी चमक काफ़ी लंबी समय तक बनी रहे। वैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप आसानी से साफ़ कर सकती हैं। तेज केमिकल्स अगर होगा तो उसमें चमक बहुत जल्दी चली जाती है, लेकिन मैं जब भी इस पाउडर से धोती हूँ, मैं देखती हूँ कि इसकी चमक बहुत दिनों तक बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि मेरा बर्तन, कम से कम मैं 1 से 1.5 महीना पहले इसको साफ़ की थी, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। जबकि इन सब बहुत सारे पॉट हैं जिनमें मैं इंडोर प्लांट्स रखती हूँ और प्लांट्स में मैं पानी भी डालती हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं कि अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी तक ख़राब नहीं हुआ है और चमक भी है। बस इसको आपको बीच बीच में सूखे कपड़े से पोंछते रहना होता है। तो आइए मैं आपको दिखलाती हूँ कि किस तरह से और कौन से पाउडर से है, कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करें जिससे कि आपको ये चमक मिली रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के पैकेट आपको मिलेगा बाज़ार में और ये इजीली किसी भी किराना स्टोर पे आपको मिल जाता है, आप वहाँ से ला सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी, इसे बड़ा छोटा हर तरह का पैकेट आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखिए मैंने पाउडर निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखलाती हूँ कि इसे यूज़ किस तरह से करना है। तो आपको सबसे पहले आपको जिस भी पॉट को धोना है, सफाई करनी है जिसकी भी, आप उसे पानी में भिंगो लें। पानी में भिंगोने के बाद उसे एक स्क्रबर ले लें और उसकी सहायता से उसके ऊपर एक कोट बना दें, एक लेयर सा। देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से अभी पाउडर, बीच बीच में पाउडर लगाते हुए इसको मैं एक कोट बना देती हूँ। और इसी तरह से आपको आपके जितने भी बर्तन सफाई करनी है, आप सभी के ऊपर एक इसका एक लेयर सा कोट सा लगा दें। और ये आप देख रहे हैं कि इसको इससे आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं कि मैंने एक हाथ में ग्लव्स लगाया और दूसरे में नहीं, क्योंकि इसको साफ करते समय ग्लव्स की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि मेरे पास था तो मैं लगा ली हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखलाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप नहीं, एक हाथ में अपना ग्लव्स नहीं लगा, एक हाथ मैंने खुला ही रखा है। तो ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे आप इस एक हल्के हाथों से कोट लगाना है, कोट लगा के आप रख दीजिए। इसी तरह सारे बर्तनों में आपको इसको कोट कर दीजिए इस पाउडर का, और उसके बाद ये कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने सभी बर्तनों में, सब आप देख सकते हैं, सभी को मैंने कोट कर लिया है। ये हमारा जग तांबे का है जिसको भी मैंने लगा दिया है, और ये अंदर से मैंने इसमें ये पाउडर नहीं लगाया, क्योंकि ये आपको भी ध्यान रखना है। पाउडर लगाएंगी तो जब आप इसमें पानी पीने के लिए पानी रखेंगे तो एक स्मेल सा आता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें कि आप जग को हमेशा बाहर से ही कोट करें और अंदर उसको, आप जो भी डिशवाशर यूज़ करती हैं उसी से इसकी सफाई करें। जग के अंदर कभी भी आप ये पाउडर ना यूज़ करें। मैं ये आपको दिखला रही हूँ कि इसको स्क्रबर से आप आराम से इसकी सफाई कीजिए रगड़ते हुए। आप बस इसको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको अच्छे से सिर्फ रगड़ते हुए सफाई करनी है इसकी। आप देखिए हल्के हाथों से, इसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए तो बीच बीच में आप पाउडर ले सकती हैं, और अगर आपको लगता है कि और पाउडर चाहिए तो आप इसमें और पाउडर लगा सकती हैं। और आप इसको बस इस तरह से सिर्फ रगड़ना है सारे किनारे वगैरह में। आप देखिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि डीप कोई गड्ढा जैसा है तो उसे भी साफ कीजिए। ये देखिए मैंने अब अपना ग्लव्स भी हटा लिया है ताकि आपको ये पता चले कि दोनों हाथ बराबर ही दिख रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके हाथ में कोई कट हो या कोई घाव वगैरह हो ऐसा, तो आप ज़रूर ही ग्लव्स लगाएं, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, एक पेन सा होने लगेगा आपको। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाथों में, खुले हाथों से भी आप साफ़ करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाथों में ड्राइनेस आती है तो आप कोई भी सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं। तो इसलिए इसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि आपके पास ग्लव्स है या नहीं। ये देखिए मैंने इसके वो बिल्कुल साफ़ हो गया, खुद मज़ा आ रहा होगा। अब देख रहे हैं बिल्कुल ये पूरी तरह से साफ़ कर दिया है मैंने, रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से आप रख कर इसको साफ़ कर दीजिए। अब मैं सूखे तौलिए से इसको रगड़ कर अच्छे तरह से साफ़ करूँगी, और यही आपको भी करना है किसी भी सूखे सूती कपड़ों से। आप कोशिश करें कि तौलिया हो या जो भी कपड़ा हो
वो कॉटन का हो। अगर कॉटन का रहेगा तो अच्छी तरह से पानी सोख लेता है, और रगड़ कर अच्छे से ये यहाँ पे बहुत ही यही मेन बात है, ये ट्रिक आपको करना ही करना है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर से पानी सारा हटा लेना है। अगर इसमें पानी रहेगा तो तुरंत इसमें दाग आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ही ये हल्का सा आपको दाग दिखने लगेगा। ये नहीं रखना है, ये दोनों तरफ बिल्कुल पानी हटा लेना है। और इसके बाद आपको इसे धूप में रखना है, इसको तेज़ धूप में रखिए 2-3 घंटों के लिए। अच्छे से तेज़ धूप में आप इसके डालिए, जिससे कि इसकी ये चमक पूरी तरह बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, मैं सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं और मैं अभी धूप में सभी को डाल दी हूँ। आज थोड़ी धूप कम है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने डाला है। और ये देखिए, अब मैं इसको इसी तरह सभी को 2-3 घंटों के लिए धूप में ऐसे ही रहने दूंगी। इसके बाद इसमें ये चमक इसकी बरकरार रहेगी, ऐसे कम से कम ये 1.5 से 2 महीने रहेगा, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर कुछ दूसरी जानकारी भी चाहिए तो आप ज़रूर लिखिए उसमें, मैं कोशिश करूँगी दूसरे वीडियो में आपको ये बतलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आपको सभी साफ दिख, बिल्कुल ही साफ दिख रहा होगा, और चमक देखिए आप, चमक भी इसकी इसी तरह बनी रहती है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अगेन।